राजस्थान के रामगढ़ कस्बे के अलवर रोड पर स्थित यश बैंक के नीचे एक मोबाइल की दुकान में सुबह चोरी की घटना घटित हुई है, जिसमें अज्ञात चोर मोबाइल की दुकान में से 6000 रुपये नकद, 6 मोबाइल व गौशाला के लिए दान पात्र में रखे करीब 2000 रुपये भी चोरी कर ले गए, जिसके बाद दुकानदार द्वारा रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया। दुकानदार तेजपाल पुत्र दौलत राम प्रजापत निवासी पाटा, उम्र करीब 27 वर्ष, रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी कस्बे में स्थित यस बैंक के नीचे मोबाइलों की दुकान है, जिसमें शुक्रवार को तड़के करीब 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच अज्ञात चोर द्वारा शटर का ताला तोड़कर उसमें अंदर गल्ले में रखे हुए 6000 रुपए नगद, 6 मोबाइल व गौशाला के लिए बनाया हुआ दान पात्र जिसमें करीब 2000 रुपए चोरी कर लिए गए हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। रामगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्यवाही चालू है। नाम आपका? सर, मेरा नाम है तेजपाल। क्या घटना हुई आपकी दुकान? सर, मेरी दुकान है यस बैंक के नीचे बेसमेंट में, और सर आज सुबह जब मैं दुकान पर आया था तो मेरी जो दुकान का एक तरफ से लॉक टूटा हुआ था और वहाँ से थोड़ी शटर ऊपर हुई थी, तो मैंने दुकान को नहीं खोला, पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, उनको बुलाया, बुला के फिर मैंने वहाँ देखा मौके पर कि मेरे गले में जो ओके मोबाइल थे मैं वो गले में रखता हूँ, जो 5-6 मोबाइल थे और कुछ 5-6 हज़ार रुपये रख रखे थे मैंने दुकान का एंट्री कराया देने के लिए, वो चोरी हो, पैसे चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गए, और वैसा कुछ सामान तो चोरी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ एक मैंने छोटा सा अपना गौशाला के मंदिर के नाम का एक दान पत्र बना रखा था, उसमें पैसे थे, वो भी गायब। लगभग कितने का आईडी? सर, उसमें गल्ले में तो दान पात्र में तो 2-2.5 हज़ार रुपये थे बस। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? भैया सुबह 5 बजे से और नहीं सॉरी 4:30 से और 5:15 के बीच की घटना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।